नमस्कार प्यारे साथियों, टारगेट प्रताड़क ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से मैं रवि तिवारी आज करंट की श्रृंखला का दूसरा भाग लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। जैसे कि आप जान रहे हैं कि प्रदेश में चार बड़ी परीक्षाएं आपकी आयोजित होनी है, जिसमें पीसीएस, लोअर पीसीएस और इसके बाद एनटीपीसी और एनटीपीसी के बाद यूपीएसआई, चारों के लिए बिगुल बज चुका है। परीक्षा की तारीखें लगभग आपको पता है कि कब परीक्षाएं होने वाली हैं, और इन चारों ही परीक्षाओं में करंट की एक महत्वपूर्ण भूमिका है और करंट आपके सिलेक्शन में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है, भूमिका अदा कर रहा है। इसी को देखते हुए संस्थान ने आप सबके लिए ये करंट अफेयर्स का रटलू सीरीज डिजाइन किया है, और कल भी मैंने एक रटलो सीरीज ली। मैं हमेशा आपसे कहता हूं इसकी व्याख्या आप जरूर सुना करिए, क्योंकि व्याख्या से कई प्रश्न आपके तैयार होते हैं और एग्जाम रूम में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं, जो चारों ही परीक्षाएं आपकी आयोजित होनी है, चाहे वो यूपीएसआई हो और चाहे वो आपकी यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे वो आपकी एनटीपीसी की परीक्षा हो, सबसे महत्वपूर्ण जो आपके दरवाजे पर खड़ी है लोअर पीसीएस की परीक्षा हो, इन चारों ही परीक्षाओं के लिए लगभग 9 महीने का आपको करंट तैयार करना है। मतलब जनवरी फरवरी से लेकर जब तक आपकी वो परीक्षा नहीं हुई है तब तक का करंट आपको तैयार करना है। तो ये जो रटलू सीरीज डिजाइन की गई है, ये इन्हीं परीक्षाओं को ध्यान में रख के डिजाइन की गई है, और जो प्रश्नों का संकलन है वो बहुत स्तरीय है, और व्याख्या भी आपको ऐसी की जा रही कि आपका ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। टारगेट प्रताड़क ऑनलाइन इंस्टीट्यूट हमेशा आपको गुणवत्तापूर्ण सामग्री को सर्व करने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। आलोक सर के निर्देशन में हम सभी लोग बहुत अच्छे से इसके प्रयास को आगे बढ़ा रहे हैं। थोड़ी सी संस्था से संबंधित जानकारियां आपको दे दूं। संस्था में जैसे कि आप जानते हैं कि यूपी पीसीएस के बैच का बैच जो है आलोक सर ने अनाउंस किया हुआ है, यूपीएसआई का बैच 25 तारीख को हम लोग अनाउंस करने चल रहे हैं, और यूपी टेट का नया बैच 3 तारीख को अनाउंस करने चल रहे हैं, जो पूरी तरह से स्वतंत्र नया बैच होगा। इन बैचेस से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए गए हैं, आप वहां पर फोन करके इनरोल हो सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी सीट सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक, तो आइए, डिस्क्रिप्शन में जब आएंगे तो हमारे काउंसलर्स के नंबर दिए गए हैं। विश्वसनीयता को देखते हुए किसी भी तरीके की जानकारी अगर आपको चाहिए हो तो आप वहां पे ले सकते हैं। यूपी पीसीएस बैच है, यूपीएसआई बैच है और यूपी टेट जो आने वाला बैच है, सभी से संबंधित जानकारियां आपको मिल जाएंगी। यूपीएसआई वाले 25 तारीख का इंतजार करेंगे, 25 तारीख को प्रवेश से संबंधित पूरी जानकारी आपके समक्ष उपस्थित होगी। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो आपके लिए रटलो सीरीज समान रूप से उपयोगी है, चाहे वो यूपीएसआई वाले हो चाहे यूपी पीसीएस वाले हो। एडमिशन की बात तो बाद में होगी, लेकिन पढ़ाई आपकी आज से ही शुरू हो जा रही है। तो आइए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं इस सीरीज की। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ये कुछ नंबर्स हैं, अगर आप डिस्क्रिप्शन में ना खोज पाए तो आप यहां से इन नंबर्स को देख के और यहां से भी इन नंबर्स पर बात कर सकते हैं। आइए पहला प्रश्न, 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया। मैं थोड़ा सा स्क्रीन से इसलिए बाहर हो जाऊंगा बार बार ताकि आप प्रश्नों और विकल्पों को अच्छे से पढ़ सकें। 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है कब मनाया गया, है ना, कब मनाया गया, 22 जून, 21 जून, 28 जून और 5 जून, बताइए। उत्तर करें आप लोग, स्क्रीन पर उत्तर करें, मैं देख पा रहा हूं आपको, बताएं। तो अगर हम इसका उत्तर करें कि 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया, तो आप कहेंगे सर ये 21 जून को मनाया गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बी, 21 जून। अब इससे संबंधित कुछ जानकारी मैं आपको दे दूं, है ना। इसका विषय था जलवायु परिवर्तन के लिए योग। इस बार के योग का विषय क्या था, जलवायु परिवर्तन के लिए योग, है ना, जलवायु परिवर्तन के लिए योग। प्रधानमंत्री मोदी जी ने झारखंड के रांची में योग समारोह में हिस्सा लिया, जहां पर उन्होंने इसकी शुरुआत की, जलवायु परिवर्तन के लिए योग। एक और मैं जानकारी यहां पर आपको देना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2014 से 21 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, और 2014 से नियमित रूप से 21 तारीख को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन करते हैं। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, 21 जून सही उत्तर होगा। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अभी हाल ही में कुछ संपन्न मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण प्रदान करने की मंजूरी प्रदान की गई है। जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है EWS, उसमें 10% आरक्षण की मंजूरी प्रदान की गई है। तो इस संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है, क्लियर, आपको बताना है, इनकी शर्तों को बताना है, क्योंकि जो पेपर की प्रवृत्ति है वो तथ्यात्मक है। तो पूरा इसके बारे में जान लीजिए। आरक्षण का लाभ उन्हें मिलेगा जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक ना हो, बिल्कुल सही है,
है ना, आप इसकी कंडीशंस को भी, जिनके पास स्वामित्व में 5 एकड़ से अधिक किसी भी प्रकार की कृषि भूमि ना हो, गलत है, 5 एकड़ कृषि भूमि ना हो, 5 एकड़ से अधिक अगर उनके पास ऊसर बंजर और पथरीली भूमि है, बेहर जमीन शामिल है, तो उसको शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब आपके पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए। अगर इस प्रकार की भूमि और 5 एकड़ है और ऐसी मिला के 10 एकड़ है तो उसको इसमें शामिल किया जा सका, कोई समस्या नहीं है। तो इसका क्या होगा, जिसके स्वामित्व में 5 एकड़ से अधिक किसी भी प्रकार की कृषि भूमि ना हो, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, किसी भी प्रकार की भूमि ना हो कहीं गलत है, क्योंकि 5 एकड़ से अधिक अगर ऊसर बंजर और पथरीली भूमि है तो भी उसको लाभ मिलेगा, क्योंकि वो कृषि योग्य भूमि नहीं है, है ना। और डी क्या है, जिसके पास नगरकाल पर क्षेत्र में 1500 वर्ग फीट से अधिक आकार का निवास प्लॉट ना हो, ये भी सही है। तो कौन सा गलत है, बी वाला आपका क्या गलत है, दूसरा आपका गलत है। आइए अगला प्रश्न है आपका, यहां पे तीसरा प्रश्न है यहां पे, 17वीं लोकसभा के लिए अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किए गए माननीय, किस राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, श्री ओम बिरला जी, श्री ओम बिरला जी, और ये राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये राजस्थान के कोटा से चुने गए थे, राजस्थान के कोटा संसदीय क्षेत्र से सांसद बने थे, कोटा से चुने गए थे, और ये राजस्थान से आने वाले लोकसभा के पहले स्पीकर हैं, ये राजस्थान से आने वाले लोकसभा के पहले स्पीकर हैं, क्लियर। एक और मैं यहां पर जानकारी दे दूं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में, कहां पे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित संपूर्ण काल प्रणाली का वर्णन किया गया है, क्लियर, किस अनुच्छेद में, 93 में, चूंकि आप इसको भी याद रखेंगे तो आपको लाभ होगा। आइए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न है आपका, केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत परिवहन वाहन चालकों के लिए आवश्यक न्यूनतम शिक्षा क्या है, इस प्रश्न को एक बार पूछा जा चुका है, तो उनको कक्षा 8 पास होना अनिवार्य है, क्लियर। केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अंतर्गत हालांकि इसमें सुधार किया जा रहा है और इस शर्त को हटाने की भी बात हो रही है, लेकिन अभी वर्तमान में जो शर्त है वो ये है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अंतर्गत वाहन चालकों के लिए जो आवश्यक न्यूनतम योग्यता है वो क्या है, कक्षा 8वीं पास है। आइए पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आप लोग भी तेजी से उत्तर करें, किस तितली को तमिलनाडु राज्य की राज तितली घोषित किया गया, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है कि एक तितली को तमिलनाडु राज्य की राज तितली घोषित किया गया, क्लियर, इसका नाम है तमिल योमेन, क्या नाम है, तमिल योमेन, तो आप याद रखिएगा तमिल योमेन क्या है, तमिल योमेन एक ऐसी तितली है जिसको तमिलनाडु राज्य की राज तितली घोषित किया गया है थोड़े दिन पहले। अब इससे संबंधित कुछ और जानकारी मैं आपको यहां पे दे दूं, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है सिरेकोथ्रेस, सिरेकोथ्रेस इसका वैज्ञानिक नाम है सिरेकोथ्रेस, और यह हल्के भूरे रंग की तितली होती है, हल्के भूरे रंग की तितली होती है, पहाड़ी क्षेत्रों में तितली की जो 30 प्रजातियां मुख्य पाई जाती हैं उनमें तमिल योमेन एक प्रमुख तितली की प्रजाति है, क्लियर, तो ये तितली की प्रजाति के रूप में आपको इसको जानना है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, छठवां प्रश्न है आपका, सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए अनिवार्य आत्मसुरक्षा प्रशिक्षण के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए, ध्यान दीजिए, क्या लिखा है, सरकारी स्कूल में लड़कियों के लिए अनिवार्य आत्मरक्षा प्रशिक्षण के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, इस योजना को हम कहते हैं समग्र शिक्षा योजना, जिसके बारे में आप जानकारी ले रहे हैं इसको हम समग्र शिक्षा योजना भी कहते हैं, पहले तो यह जान लीजिए, और यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है, तो आत्मरक्षा है ना, स्वयं की रक्षा के लिए छठवीं से बारहवीं की लड़कियों को सरकारी स्कूलों में समग्र शिक्षा योजना के तहत लड़कियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा, बिल्कुल सही है, छठवीं से बारहवीं कक्षा की लड़कियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, यह भी सही है, इसमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भी शामिल है जो वंचित समूह के लिए आवास, सभी महिलाएं शामिल, सभी बालिकाएं शामिल है चाहे वो किसी भी विद्यालय में पढ़ती हो, तीनों सही है, तो इसे पदों में उपयुक्त सभी, आपका उत्तर क्या होगा, उपयुक्त सभी, तो ये मानव संसाधन विकास योजना की मंत्रालय की योजना है जिसका नाम क्या है, समग्र योजना। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनी मिशन का शुभारंभ कब किया? देखिए, हनी मिशन जो है, पहले जान लीजिए किसके लिए है। ये मधुमक्खी पालन के लिए है। हनी मिशन जो है वो किसके लिए है? मधुमक्खी पालन के लिए है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसका संबंध मधु, सबसे पहले गुजरात राज्य में मोदी जी ने इस योजना का शुरुआत किया, और गुजरात राज्य में एक गांव है दीसा, गुजरात राज्य के दीसा नामक गांव से इस योजना का प्रारंभ किया गया। ये दीसा गांव जो है, ये बनासकांठा, एक जिला है गुजरात में बनासकांठा, ये बनासकांठा जिले का गांव है। तो मधुमक्खी पालन से संबंधित योजना है। ऐसे बेरोजगार गरीब और किसान जो कुछ करना चाहते हैं, उनको मधुमक्खी पालन के लिए सरकार प्रोत्साहित कर रही है, और उसके लिए श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हनी मिशन का जो है क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया है। गुजरात के कहां से? बनासकांठा जिले के, गुजरात राज्य के दीसा नामक गांव से किया गया है। अब आपसे पूछा गया था कि यह कब किया गया है, तो ये अगस्त 2017 की बात है। तो अगस्त 2017 की बात है। अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये वाला जो केंद्रीय बजट आया है, इस केंद्रीय बजट में इसकी चर्चा की गई है अलग से। इसलिए आप लोग ध्यान रखें कि एक विस्तृत कार्यक्रम है, और अब इसको पूरे देश में लागू किया जा सकता है। आइए, अगला प्रश्न है आपका आठवां। अभी हाल ही में को किस भारतीय महिला एथलीट ने 20 दिन में अपना पांचवा स्वर्ण पदक जीतने में सफलता प्राप्त की? हम सभी जानते हैं, हिमा दास जी ने, जिनको ढींग एक्सप्रेस भी कहा जाता है। इनके गांव का नाम है ढींग, हिमा दास, इनको ढींग एक्सप्रेस भी हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? ढींग एक्सप्रेस। इन्होंने 2 जुलाई से लेकर 21 जुलाई के बीच में 19 दिनों के अंतराल में भारत को 5 स्वर्ण पदक दिए, जिसमें 400 मीटर की जो दौड़ थी वो 52.09 सेकंड में इन्होंने पार की, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हिमा दास भारतीय एथलीट है, ढींग गांव की है। हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस भी कहा जाता है, और इन्होंने एक कारनामा करके दिखाया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हिमा दास होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अभी हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन ग्रैंड स्लैम में 100वीं जीत दर्ज की? क्लियर? हाँ, विंबलडन ग्रैंड स्लैम में 100वीं जीत दर्ज की। तो आप बताइए, अगर इसका उत्तर हमें करना होगा, मैंने आपको अभी जब क्लास ली थी तो मैंने आपको बताया था, बताइए कौन सा खिलाड़ी है यहां पर? तो ये रॉजर फेडरर है। रॉजर फेडरर ने विंबलडन में 100वीं जीत अभी कुछ दिन पहले दर्ज की। ये स्विट्जरलैंड के हैं। आपसे पूछा जाता है कहां के हैं, आप ध्यान रखिएगा, ये स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। कहां के खिलाड़ी हैं? स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। प्लीज ध्यान रखिएगा इसको, है ना। अगला प्रश्न है आपका दसवां। अभी हाल ही में को किस फुटबॉल खिलाड़ी ने फीफा फुटबॉल विश्व कप में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड बनाया? इसको आप थोड़ा सा इस तरीके से याद रखिएगा कि ये जो फुटबॉल का आपको सवाल पूछा गया है, चूंकि फीफा की बात की गई है, तो ये महिला और पुरुष वर्ग दोनों को मिला के पूछा गया है, महिला और पुरुष दोनों को। मार्ता डा सिल्वा जो है ये महिला है, और इन्होंने फीफा विश्व कप में 17 गोल करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है, 17 गोल करके। ये ब्राजील की महिला फुटबॉलर है, ब्राजील की महिला फुटबॉलर है, और यह 6 बार सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का खिताब जीत चुकी हैं। 6 बार सर्वश्रेष्ठ विश्व की महिला फुटबॉलर का खिताब जीत चुकी हैं। महिला पुरुष वर्ग में एकमात्र ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने 17 गोल फीफा में करके एक विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। तो आपका इनका नाम क्या है बताइए? हाँ, इनका नाम होगा मार्ता डी सिल्वा। कहां की है? ब्राजील की है। आगे 11वें प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए, अंबुबाची मेला धार्मिक आयोजन है, अंबुबाची मेला, और इस मेले का आयोजन कहां किया गया? कामाख्या। हाँ, कामाख्या कहां पे है आप जानते हैं? गुवाहाटी। और गुवाहाटी कहां पे है? असम में गुवाहाटी। कामाख्या जो मंदिर है, माता का मंदिर है, सिद्धपीठ है, नीलांचल की पहाड़ियों पर स्थित है। कहां? गुवाहाटी से लगभग आप 9 किलोमीटर जब ऊपर जाएंगे तो नीलांचल की पहाड़ियों पर मां कामाख्या का मंदिर है, जहां अंबुबाची मेला, ये सांस्कृतिक करंट है, कल्चरल करंट है आपका, उसका आयोजन किया गया। क्लियर है? आयोजन किया गया असम राज्य में, गुवाहाटी में, और कहां पर? कामाख्या मंदिर। 12वां प्रश्न आपके पास। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको आप एडीबी कहते हैं, द्वारा जारी रिपोर्ट एशियन डेवलपमेंट आउटलुक सप्लीमेंट 2019 के अनुसार वर्ष 2020 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितने प्रतिशत होगी?
सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितने प्रतिशत होगी, तो इसका जो आपका उत्तर होगा, बताइए आप लोगों को, मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, ये होगी 7.2%। कितनी होगी? 7.2%, ख्याल रखिएगा, क्लियर। ये एक प्रिडिक्शन है, कितनी होगी रहने की संभावना, कितनी है? 7.2% रहने की संभावना है। आइए 13वां प्रश्न पर चलते हैं। गरुड़ 6 युद्धाभ्यास वायुसेना से संबंधित था, भारत के साथ कौन सा देश शामिल था? भारत के साथ इसमें फ्रांस शामिल था और इसका आयोजन भी फ्रांस में किया गया। कहां आयोजन किया गया? फ्रांस में किया गया, भारत और फ्रांस। और ये भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास था फ्रांस की वायुसेना के साथ, भारतीय वायुसेना और फ्रांस की वायुसेना का अभ्यास था। आइए अगला प्रश्न है आपका। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय में किस विभाग को समायोजित करके केंद्र सरकार द्वारा एनएसओ के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई? थोड़ा सा देखिए इस सवाल को, अभी आपने देखा कि एक गतिविधि बदली है, दो प्राचीन विभाग थे, तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जिसको आप कहते हैं सीएसओ में एनएसएसओ का विलय करके एक नया विभाग बनाया गया जिसको आपने कहा एनएसओ, तो एनएसएसओ को विलय किया गया। एनएसएसओ को हम लोग कहते हैं सीएसओ को हम लोग कहते हैं केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। एनएसएसओ का विलय हुआ, एनएसएसओ को हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण विभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण विभाग। इन दोनों का विलय करके एक नया कार्यालय बनाया गया, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो अब जो अस्तित्व में है वो सीएसओ भी अस्तित्व में नहीं है और एनएसएसओ भी अस्तित्व में नहीं है, बल्कि अब जो अस्तित्व में है वो क्या है? एनएसओ है, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। आइए 2019 की ये घटना है। आगे बढ़ते 15वां प्रश्न है आपका। भारत अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेला IICTF का आयोजन किया जाएगा, कब किया जाएगा? और दूसरी बात, ये किससे संबंधित है? दोनों ही चीज आपको देखनी है। तो पहली बात, तो इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह अक्टूबर 2019 में प्रगति मैदान दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। प्रगति मैदान दिल्ली पहला आयोजन है इस तरीके का। जैसे आप जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा भी था कि कृषि भारत की रीढ़ है और सहकारिता इसकी आत्मा। कृषि, किसान और सहकारिता को बढ़ाने के लिए, वैश्विक रूप में उसमें नए सुझावों को शामिल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेले के पहले संस्करण का आयोजन कहां किया जाएगा? दिल्ली में किया जाएगा, अक्टूबर 2019, प्रगति मैदान, कृषि और सहकारिता को बढ़ाने के लिए। आइए अगला प्रश्न है आपका, 16वां प्रश्न। हाल ही में हुए सर्वेक्षण के अनुसार सर्वाधिक बेरोजगारी दर किस राज्य में दर्ज की गई? सर्वाधिक बेरोजगारी दर, आप लोग भी उत्तर करते चलें तेजी से। सर्वाधिक बेरोजगारी दर किस राज्य में आयोजित की गई? तो आपकी सर्वाधिक बेरोजगारी दर कहां पे? नागालैंड में। और इसका प्रतिशत है 21.4%। 21.4% की जो बेरोजगारी दर है वो नागालैंड में आपकी क्या की गई? दर्ज की गई। ध्यान दीजिएगा आप। अगला, हाल ही में यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में भारत के किस शहर को शामिल किया गया? कल भी हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी, जयपुर को। किसको शामिल किया गया? जयपुर शहर को शामिल किया गया। अब भारत के कुल 38 शहर, भारत के कुल 38 स्थल इस सूची में शामिल है। जयपुर को सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल किया गया। किस श्रेणी में? सांस्कृतिक श्रेणी में। और जयपुर राजस्थान का तीसरा शहर है। तीन शहर जयपुर को लेकर राजस्थान के शामिल हो चुके हैं। तीसरा शहर कौन सा है? जयपुर है, सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल है। 18वां प्रश्न। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 3 द्वीपों रॉस द्वीप, नील द्वीप एवं हैवलॉक द्वीप को नए नाम से सरकार ने, हां, इनमें रॉस द्वीप का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर? अभी प्रधानमंत्री मोदी जब यात्रा गए थे तो रॉस द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम पर उन्होंने करने का निर्णय लिया। आसान प्रश्न है, एक परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। किस देश ने हाल ही में 100 रुपए से अधिक मूल्य वर्ग के भारतीय मुद्रा को अपने यहां प्रतिबंधित घोषित कर दिया? नेपाल ने अपने यहां 100 रुपए से अधिक मूल्य के एक किसी भी भारतीय नोट को प्रतिबंधित घोषित कर दिया। क्लियर है? नेपाल की सटी सीमा है, कोई वीजा नहीं लगता और पैसे की काफी इधर से उधर हेरा फेरी होती थी, बॉर्डर पर भी भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। इन सब तथ्यों को देखते हुए नेपाल ने 100 रुपए से ज्यादा की करेंसी को अपने यहां स्ट्रिक्टली प्रतिबंधित कर दिया है। आइए नेपाल ने। आइए अगला प्रश्न, ये देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं,
एक और जानकारी दे दूं, ये भी संस्था की तरफ से, ये मेरी रीजनिंग की किताब है। आप किसी भी एग्जाम के लिए रीजनिंग की तैयारी कर रहे हो, पूरी कॉन्सेप्चुअल और एक बेहतरीन किताब रीजनिंग की है, जिसमें प्रैक्टिस सेट और कॉन्सेप्ट दोनों दिए गए हैं। अगर आप इस किताब को ले सकते हैं, ले लेते हैं तो फिर आपको कभी भी रीजनिंग की किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप पढ़ के किसी और को भी दे सकते हैं। अधीनस्थ के पूरे क्वेश्चंस का समायोजन है, सीसेट, बैंक पीओ, किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए आपके लिए अत्यंत उपयोगी और सारगर्भित है। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? 9452275777, या तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर बुक लिखकर भेज दें तो हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी, और या आप इस नंबर पर कॉल कर दें। एक और बात, हाँ, या आप इस नंबर पर कॉल कर दें कि हमें बुक चाहिए, 9452275777। एक और बात, आप भारतवर्ष में कहीं भी रह रहे हो, 10 दिन में किताब आपके घर पहुंच जाएगी, एकदम न्यूनतम दामों पर, संस्था की तरफ से आपको दी जा रही है इस समय न्यूनतम दामों पर, मेरे ही द्वारा लिखित है। मैं रीजनिंग का सबसे पहला टीचर हूं, पाया ना, और ये बेस्ट सेलिंग बुक आपकी रही है पिछले वर्ष, ठीक है, और 10 दिन में पहुंच जाएगी। कोरियर संस्था की तरफ से बिल्कुल फ्री है, कोरियर का आपका कोई चार्ज नहीं देना, एकदम मिनिमम कॉस्ट में कोरियर संस्था की तरफ से फ्री है। तो आप लें, देखें, फीडबैक दें, और लोगों को प्लीज सजेस्ट करें जिन्हें रीजनिंग की किताब की जरूरत हो। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से पढ़ाई पर लौटते हैं। हाल ही में आईसीसी द्वारा घोषित पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 की जो टीम है ना, तो 19 की टीम का है, उसका कप्तान किसे चुना गया? अभी आपने देखा इंग्लैंड और वेल्स में आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ, और वहां पर जो है जो पुरुष विश्व क्रिकेट की विश्व कप की टीम है उसे इसका कप्तान, तो उसका कप्तान केन विलियमसन साहब को चुना गया। ये न्यूजीलैंड के कप्तान थे और उन्हें इसका कप्तान चुना गया, और भारत की तरफ से दो खिलाड़ी इस टीम में शामिल थे, एक तो आपके रोहित शर्मा शामिल थे और दूसरे आपके जसप्रीत बुमराह शामिल थे। रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह, कौन कौन शामिल था? रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह आपके शामिल थे। आइए 21वां सवाल लेते हैं। स्कॉट मॉरिसन किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं? ये अंतरराष्ट्रीय निर्वाचन आप याद रखिएगा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको परेशान कर सकते हैं। तो आपका यहां पे 21वां क्वेश्चन है, स्कॉट मॉरिसन, बताइए, तेजी से आंसर करिए, स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली, स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया, सरल प्रश्न है, तेजी से आगे बढ़ते हैं। 22वां, वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने 20 मई 2019 को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? बताएं, किस देश की राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? यूक्रेन। अंतरराष्ट्रीय निर्वाचन तेजी से याद रखना, यूक्रेन। अगला, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भारत सहित दक्षिण अफ्रीका में पैर जमाने की कोशिश कर रहे निम्नलिखित संगठन पर 15 मई 2000 को प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, बताइए किस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? अभी किसने? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने। तो आपका सही उत्तर है ISIL खुरासान। यह एक संदिग्ध गतिविधियों में जो है शामिल संगठन है, जो नया नया था और यूरोपीय देशों में भी सक्रिय हो रहा था, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भारत सहित दक्षिण एशिया में पैर जमाने की कोशिश करने पर इस संगठन को क्या किया है? प्रतिबंधित कर दिया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं तेजी से, 24वां प्रश्न लेते हैं। हाल ही में वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 जारी किया गया, बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न आपके लिए इस बार, क्योंकि इससे इस बार हम बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं। कैसे? मैं बता रहा हूं, हाँ मैं बता के, पहला, इस बार वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 नई दिल्ली में लॉन्च किया गया, बिल्कुल सही है, और एशिया में पहली बार ये लॉन्च किया गया, एशिया के किसी शहर में पहली बार वैश्विक नवाचार सूचकांक को लागू जो लॉन्च किया गया, और कहां लॉन्च किया गया? नई दिल्ली में। इसमें विश्व भर की 136 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया, यह गलत है। दूसरा पॉइंट, 136 नहीं, ये 129 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया, 129 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया। सूचकांक में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, यह भी बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा बिल्कुल सही है, स्विट्जरलैंड को इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। इसमें भारत को 55वां स्थान प्राप्त हुआ, जो यहां पर लिखा है कि इसमें भारत को 55वां स्थान प्राप्त हुआ, यह गलत है, क्योंकि इसमें भारत को 52वां स्थान प्राप्त हुआ। इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 52वां। तो पहला और दूसरा और चौथा गलत है, और पहला और तीसरा सही है। क्यों गलत है यह मैंने आपको बताया, तो आपका उत्तर ए सही होगा कि पहला और तीसरा इसमें से क्या है, बताइए, सही है। क्या उत्तर सही होगा? ए सही होगा कि पहला और तीसरा इसमें से क्या है, बताइए, सही है। क्लियर हुई बात आपको? आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न आपके लिए लिखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन ने विश्व खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्थिति 2019 नामक रिपोर्ट जारी की, सूचकांक और रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए याद रखिएगा।
रिपोर्ट जारी की और इसके अनुसार वर्ष 2018 में कितने करोड़ लोगों के पास पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं है, लगभग 82 करोड़ लोगों के पास पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं है और प्रत्येक नौवां व्यक्ति इस विश्व में भुखमरी का शिकार है। प्रत्येक नौवां व्यक्ति इस विश्व में भुखमरी का शिकार है इस रिपोर्ट के अनुसार, और यह जो है गतिविधि लगातार बढ़ रही है। जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है, यह गतिविधि लगातार क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो यह आपका उत्तर क्या होगा बताइए इसमें, 82 करोड़ आप इसको याद रखिए। आइए अगला प्रश्न है, 26वां प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक पायलट प्रोग्राम के अंतर्गत मलेरिया की पहली मानी वैक्सीन RTSS को निम्नलिखित में किस अफ्रीकी देश में 23 अप्रैल 2019 को शुरू किया, मलावी। किस अफ्रीकी देश में शुरू किया, मलावी अफ्रीकी देश में शुरू किया इसको, क्लियर है। हाँ, और ये क्या है, अगर आपसे कभी ऐसे पूछा जाए RTSS क्या है, एक और प्रश्न बनता है RTSS क्या है, तो आप क्या कहेंगे, मलेरिया की पहली वैक्सीन है। RTSS क्या है, मलेरिया की पहली वैक्सीन है। आइए अगला प्रश्न, 27वां प्रश्न है आपके लिए, जून 2019 में किस वैश्विक सोशल मीडिया कंपनी द्वारा भारतीय स्टार्टअप कंपनी मीशो में निवेश किया गया। हां, किस कंपनी द्वारा भारतीय स्टार्टअप कंपनी मीशो में निवेश किया गया, यह प्रश्न आपको अभी पूछा जा चुका है अधीनस्थ के एक एग्जाम में, फेसबुक द्वारा। किस द्वारा, फेसबुक द्वारा भारतीय कंपनी में निवेश किया गया। आइए अगला प्रश्न है आपका, 28वां प्रश्न लेते हैं, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के दायरे में की गई वृद्धि से अब केंद्र में लगभग कितने किसान परिवार लाभान्वित होंगे, कितने किसान परिवार लाभान्वित होंगे। जब आपने केंद्रीय बजट 2019-20 को अभी देखा होगा तो उसकी ये जानकारियां हैं, अब आपको इसका उत्तर करना है। तो लगभग 14.5 करोड़ लोग इससे लाभान्वित हैं, लगभग 14.5 करोड़ लोग इससे लाभान्वित हैं, थोड़ा सा आप इस पर ध्यान दीजिए। आइए 29वां प्रश्न, 8 अप्रैल 2019 से प्रदूषण टैक्स वसूलने वाला विश्व का पहला शहर कौन बना। देखिए ध्यान रखिए, प्रदूषण से बचने के लिए कितने वैश्विक प्रयास किए जा रहे हैं, और प्रदूषण टैक्स को वसूलने वाला विश्व का पहला देश इंग्लैंड बना और पहला शहर कौन बना, तो आप उत्तर करेंगे लंदन। लंदन ऐसा पहला शहर बना जिसने प्रदूषण के लिए टैक्स वसूलना शुरू किया है ताकि लोग प्रदूषण को कम से कम करें। आइए 30वां प्रश्न, IQ एयर विजुअल एंड ग्रीन पीस द्वारा मार्च 2019 में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2018 के अनुसार, यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा चुका है, सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन सा है, गुरुग्राम। भारत का गुरुग्राम सर्वाधिक प्रदूषित नगर के रूप में इस रिपोर्ट में आया है। जल्दी से आगे बढ़ता हूं, आसान प्रश्न, 23 मार्च 2019 को कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना का नाम परिवर्तन कर दिया गया है, अब अस्ताना को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाएगा। यह बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, अस्ताना का नाम बदल के नूर सुल्तान कर दिया गया है। कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी बदली अस्ताना, और उसका नाम क्या कर दिया गया है बताइए, बदलकर नूर सुल्तान उसका नाम आपने कर दिया है। क्या कर दिया उसका नाम बदल के, नूर सुल्तान कर दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, 32वां प्रश्न, आबू धाबी ने 10 फरवरी 2019 को एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए अंग्रेजी एवं अरबी के बाद हिंदी को अपनी तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया। तो अगर आपसे यह पूछा जाए, इसमें दो प्रश्न बन रहे हैं कि कौन सी जगह हिंदी को, निम्न में शहरों में से किस जगह हिंदी को तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया, तो आपका उत्तर होगा आबू धाबी। और आबू धाबी जो है किस देश का प्रतिनिधित्व करती है, किस देश की राजधानी है, ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, आप ही उत्तर कर दें, आबू धाबी किस देश की राजधानी है, तो आप कहेंगे संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी है वो क्या है बताइए, आबू धाबी है। संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी है वो क्या है आपकी, आबू धाबी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लीजिए, 33वां प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने एक ऑनलाइन पोल निष्कर्ष के आधार पर गन्ने के रस के जूस को देश का राष्ट्रीय जूस घोषित किया। पूरे विश्व में राष्ट्रीय जूस घोषित करने वाला पहला देश है विश्व का पाकिस्तान, इन्होंने गन्ने के जूस को राष्ट्रीय जूस घोषित किया है ना, ये विशेष काम हमेशा करते रहते हैं, चूंकि मैं करंट पढ़ा रहा हूं इसलिए आपको इसको जानना है। पाकिस्तान ने गन्ने के जूस को राष्ट्रीय जूस को घोषित कर दिया, और इसके लिए इन्होंने बाकायदा एक ऑनलाइन पोल कराया, करंट अफेयर से इनसे जुड़ा हुआ है। आइए अगला है,
ग्लोबलाइजेशन 4.0 शेपिंग अ न्यू आर्किटेक्ट इन द एज ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थीम के साथ विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक बैठक कहां आयोजित हुई। तो विश्व आर्थिक मंच की जो वार्षिक बैठक आयोजित की, अगर उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था ग्लोबलाइजेशन 4.0 और थीम क्या थी, शेपिंग अ न्यू आर्किटेक्ट इन द एज ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये इनकी क्या थी बताइए, थीम थी। और इसका जो कहां आयोजित किया गया, दावोस स्विट्जरलैंड में। इसका विश्व आर्थिक मंच कहां आयोजित किया गया, तो दावोस स्विट्जरलैंड में इसको आयोजित किया गया। ध्यान रखिएगा आप लोग इस प्रश्न को आयोजित करिए, लिख रखते हैं, है ना। 35वें प्रश्न की तरफ हम लोग अब यहां से बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न अब यहां से हम लोगों को आगे लेना है। आइए बढ़ते हैं 35वें प्रश्न की तरफ। 35वां प्रश्न है आपका यहां पर, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, भ्रष्टाचार पर निगाह रखने वाले संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जनवरी 2019 में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश कौन सा है। तो देखिए, विश्व में सबसे कम भ्रष्टाचार वाला जो देश है वो डेनमार्क है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वाला देश कौन सा है, सोमालिया है। सबसे अंत में इस रिपोर्ट में कौन सा है, सोमालिया है। अगर आप भारत का स्थान पूछें तो भारत का स्थान इस रिपोर्ट में 98 है। इसको हम भ्रष्टाचार बोध सूचकांक भी कहते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल महत्वपूर्ण रिपोर्ट है और हमेशा आपसे रिपोर्ट पूछी जाती है। आइए अगले आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा 36वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 जनवरी 2019 को निम्नलिखित में से किस मुस्लिम देश में पहली बार अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की एक महिला सुमन बोडानी को न्यायाधीश नियुक्त किया गया, पाकिस्तान में। सुमन जो बोडानी जी हैं वो पाकिस्तान में न्यायाधीश नियुक्त हुई और ऐसी ये पहली महिला है, है ना, पहली महिला, ध्यान रखिएगा। 37वां प्रश्न है, निकोलस मदुरो निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए। यह प्रश्न मैं इससे पहले भी आपको अंतरराष्ट्रीय निर्वाचन में सॉल्व करा चुका हूं, वेनेजुएला। दूसरी बार इन्होंने किस देश के राष्ट्रपति का पद लिया, तो आपका उत्तर क्या होगा बताइए, वेनेजुएला के राष्ट्रपति का पद लिया। 38वां प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2019 में निम्नलिखित में किस वर्ष के रूप में आयोजित किया जाएगा। देखिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, वार्षिक आयोजन किस वर्ष के रूप में जो है इसको मनाया जाएगा, देशी भाषाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष, क्षेत्रीय और देशी भाषाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2019 को मनाने की जो है घोषणा की गई है। आप लोगों के भी उत्तर सही आ रहे हैं। किन दो देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास अफ्रीकन लाइन, ये कंफ्यूज आपको कर सकता है, क्योंकि इसका नाम है अफ्रीकन लाइन लेकिन ये हुआ है अमेरिका एवं मोरक्को के बीच में, अमेरिका एवं मोरक्को के बीच में, है ना, अमेरिका एवं मोरक्को के बीच में। 40वां प्रश्न, द्वितीय वैश्विक दिव्यांगता शिखर सम्मेलन, द्वितीय वैश्विक दिव्यांगता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया, व्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में। कहां किया गया, व्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में किसका आयोजन किया गया। आइए अगला प्रश्न है आपका 41वां प्रश्न, निशस्त्रीकरण और परमाणु प्रसार निरोध पर छठवीं भारत चीन वार्ता कहां संपन्न हुई। प्रश्न है आपका निशस्त्रीकरण और परमाणु प्रसार, हां 41वां प्रश्न है, निशस्त्रीकरण और परमाणु प्रसार पर जो है आप भारत चीन वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई। कहां आयोजित की गई, नई दिल्ली में, छठ। 42वां प्रश्न है आपका, दिल्ली सरकार उच्च शिक्षा में सुधार हेतु, दिल्ली सरकार द्वारा, ध्यान रखिएगा ये याद रखिएगा, दिल्ली सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में सुधार हेतु किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया, जैस्मिन शाह। जैस्मिन शाह समिति शिक्षा से संबंधित है और दिल्ली सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार किए हैं, अद्वितीय सुधार किए हैं दिल्ली शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली सरकार ने, जो तारीफ योग्य है उसको तारीफ करनी चाहिए। आइए जून 2019 में जारी एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर अंत 2018 तक विश्व में सर्वाधिक स्मार्टफोन डेटा उपयोग करने वाला विश्व का देश कौन बन जाएगा, भारत। लगभग 10 GB डाटा प्रति माह जो है यूज करने वाला विश्व का सबसे बड़ा देश कौन बन जाएगा, भारत बन जाएगा। आइए नीति आयोग ने किस वर्ष से केवल इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के संबंध में प्रस्ताव दिया है। नीति आयोग ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव दिया है कि वर्ष 2030 से केवल क्यों ना
इलेक्ट्रिक वाहनों की ही बिक्री की जाए, और इस तकनीकी में एक बहुत जबरदस्त जो है प्रयोग और सुधार चल रहे हैं। बहुत सारी आपने किया मोटर्स जैसी, सेल्टोस जैसी कारें देखी होंगी जो इलेक्ट्रिक कार मार्केट में आ भी चुकी है। आइए 46वां प्रश्न। प्रथम विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया, कल मैंने आपको बताया था इस दिवस का मुख्य विषय क्या था, तो आपको कल मैं बताया था खाद्य सुरक्षा सभी का सरोकार। इसका मुख्य विषय क्या था? खाद्य सुरक्षा सभी का सरोकार, यह विषय मनाया गया। 47वां प्रश्न है, संपूर्ण विश्व में विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो कि 31 मई को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? आपको अच्छे से मालूम है 31 मई को यह दिवस मनाया जाता है। बस 2019 में इस दिवस का फोकस क्या था? फोकस का मतलब है थीम क्या थी, प्रश्न को थोड़ा अलग से पूछा गया, तंबाकू और फेफड़े का स्वास्थ्य। थीम क्या थी? तंबाकू और फेफड़े का स्वास्थ्य, इसकी थीम थी। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? यह प्रश्न पिछले दो तीन वर्ष में कई बार पूछा जा चुका है, बताइए विश्व गौरैया दिवस कहां मनाया जाता है? तेजी से बताएं प्रश्न, जो प्रश्न नंबर है आपका 48, बताएं विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आपका उत्तर होगा कि विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को आयोजित किया जाता है। कब आयोजित किया जाता है? 20 मार्च को, 20 मार्च को आयोजित किया जाता है। आइए 49वां प्रश्न है आपका, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? ये दो दिवस है पूछा गया है भी, तो आप बताइए विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 28 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? आइए लास्ट प्रश्न है आपका 50वां प्रश्न है आज की जो है श्रृंखला का, जो 50वां प्रश्न है वो है, किसके द्वारा वर्ष 2020 में एक डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी लिब्रा को लॉन्च किया गया? दो चीजें यहां पर ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए लिब्रा क्या है, तो लिब्रा एक क्रिप्टो करेंसी है ना, क्रिप्टो करेंसी के बारे में किसी दिन आर्थिक रूप से चर्चा होगी, और इस करेंसी को फेसबुक ने लॉन्च करने के लिए किया है। किसने लॉन्च किया है 2020 से? फेसबुक ने करेंसी को लॉन्च किया। तो ये आज के 50 प्रश्नों की श्रृंखला थी। इसका जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में है। संस्था में जो भी बैच चल रहे हैं, जैसे कि मैंने देखने के लिए पहले तो इस सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सकारात्मक कमेंट हमारे संस्थान की ऊर्जा है, आपके सुझाव हमारी ऊर्जा है, हम लगातार आपके लिए ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, यूपीपीसीएस, यूपीएसआई, यूपी टेट के बैच से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए नंबरों पर संपर्क करें। यूपीपीसीएस में लगातार एडमिशन जारी है, यूपीएसआई में 25 तारीख से शुरुआत कर रहे हैं, और यूपी टेट का नया बैच 3 या 4 तारीख से लाया जाएगा। क्लियर? तो संस्था के साथ बने रहे, संस्था को सपोर्ट करते रहे, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जरूर पूरी व्याख्या सुने और कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर किया करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू।